गुड मॉर्निंग ऑल योर स्टूडेंट्स, मैं अरुण यादव। आज हम लोग क्लास से साइंस पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम पढ़ लिए थे, एलजी तक पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिजेम्बलिंग एनिमल्स इन द देयर करेक्टरिस्टिक फीचर्स। प्रोटोजोआ होता है जो एक कोशिकीय जीव होता है। द नेम प्रोटोजोआ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच मीन्स फर्स्ट एनिमल। यह वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है जानवर। प्रोटोजोआ रेंज फ्रॉम 2 माइक्रॉन टू 200 माइक्रॉन। प्रोटोजोआ जो साइज होती है 2 माइक्रॉन से 200 माइक्रॉन तक होती है। ये माइक्रॉन का साइज है। ये माइक्रॉन के बारे में पिछले क्लास में बताए थे। स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। प्रोटोजोआ की प्रोटोजोआ इन अनसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच लैक सेल वॉल एंड क्लोरोफिल। प्रोटोजोआ है यूनिसेलुलर जीव है जिसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके वॉल में क्लोरोफिल पाया जाता है। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस लाइक एनिमल। या जानवरों की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। दे डिपेंड ऑन द अदर फॉर देयर फूड। वे दूसरे जीवों के ऊपर भी भोजन के रूप में दूसरे जीवों पर क्या करते हैं, दूसरे जीव को भी डिपेंड रहते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं प्रोटोजोआ के, ग्रेडिया, पैरामीशियम, अमीबा एंड ट्राइफोनोसमा, एगुलिना, ईटीसी आर प्रोटोजोआ। ये सब क्या है, प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। अमीबा इज द मोस्ट कॉमन एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटोजोआ। जो अमीबा होता है या प्रोटोजोआ का सबसे सिंपल उदाहरण है, कॉमन उदाहरण है। जो इट्स सेपलेस एंड मूव विद द हेल्प ऑफ फ्रेश फीड कार्ड पेसडुकोपीडिया। या अपने शरीर के द्वारा रेंगते हुए चलता है, इसे पेसडुकोपीडिया बोला जाता है। जो आपको पिछले लेक्चर में अमीबा के बारे में पढ़े थे बताए थे। अब आते हैं हम लोग यूजफुल प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ते हैं। क्या प्रोटोजोआ का यूज है, क्या इससे हम लोग के लिए लाभदायक है। प्रोटोजोआ फीड एंड एलजी एंड बैक्टीरिया एंड दस फॉर्म इम्पोर्टेंट लाइक बिटवीन एक्वेरिक फूड चैन। प्रोटोजोआ होता है जो जलीय भोजन के रूप में बहुत उपयोगी होता है। प्रोटोजोआ डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट इंटू सिंपलर न्यूट्रिएंट विच गैस गेट्स बैक इंटू द सॉयल। प्रोटोजोआ जो रासायनिक वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको क्या करता है, पोषण में डिकम्पोज कर देता है और मिट्टी में मिल जाता है। सम प्रोटोजोआ लाइव इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनिमल्स एंड हेल्प्स द डाइजेशन सेलुलोज। कुछ प्रोटोजोआ जानवरों के पेट आंत में पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। अब है हार्मफुल प्रोटोजोआ। पैरासिटिक प्रोटोजोआ काज द नंबर ऑफ डिज इन द होस्ट। पैरासिटिक परजीवी जो प्रोटोजोआ होते हैं वो क्या करते हैं, बीमारी पैदा करते हैं। एम्बोइक डिस्ट्रीज कार्ड द प्रोटोजोआ कार्ड इन टूम्बिबिया स्टोरिटिका। मलेरिया इज कार्ड बाय प्रोटोजोआ कार्ड प्लस मोडियम। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के चलते ही होता है। ए डेंजरस डिजीज कार्ड स्लीपिंग सिकनेस इज कार्ड द ट्राइफोनोसमा विच इज ए पैरासाइट्स लिविंग द ब्लड सिस्टम द ह्यूमन बींग एंड एनिमल्स। एक डेंजरस बीमारी है जिसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस, जो इस प्रोटोजोआ की बीमारी से मानव और जानवर में होता है। इट स्प्रेड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाई ब्लड सकिंग फ्लाई कॉल्ड टिश फ्लाई। या एक आदमी से दूसरे बीमारी में बीमारी क्या होती है, फैलती है। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अगले लेक्चर में। तब तक